हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मुंह में घुल जाने वाली बेसन के लड्डू की रेसिपी। बेसन के लड्डू खाना हर किसी को पसंद होता है और इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ ख़ास टिप्स को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे लड्डू बिल्कुल भी हलवाइयों जैसे परफेक्ट बनेंगे घर पर ही। तो आज मैं बिल्कुल परफेक्ट टिप्स के साथ, परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ टेस्टी और परफेक्ट लड्डू बना के दिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्टी बिल्कुल हलवाई जैसी लड्डू की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम शुद्ध देसी घी लिया है। घी को हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे गर्म होने के लिए। घी हमारा अब गर्म हो गया है तो अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 कप बेसन। मेजरमेंट में लगभग 200 ग्राम बेसन है, यानी कि 1 कप बेसन के लिए हम लोग 1/4 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। अब लो फ्लेम पे हम लोग धीरे धीरे इसे लगातार स्टर करते हुए भूनेंगे और इस तरह से इसके लम्स को हम लोग तोड़ते रहेंगे। और स्टर करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, वरना नीचे से हमारे बेसन जो है जलने लगेंगे। तो चलाते हुए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक भूनना है, उसके बाद अपने आप इससे घी रिलीज़ होने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी ही थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो गया है हमारा बेसन लगातार, और ये देखिए लगभग 12-15 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और घी पूरा रिलीज़ कर चुका है बेसन ने। ये देखिए ये घी रिलीज हो रहा है, एकदम सॉफ्ट हो गया है हमारा क्रीमी। तो 15 से 16 मिनट बाद देख सकते हैं आप लोग कि ये कितना कलर चेंज हो चुका है हमारे बेसन का। तो अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1 पिंच केसरी फूड कलर लिया है मैंने, इसे 2 चम्मच पानी में इस तरह से घोल करके इसके ऊपर डाल दूंगी। ऐसा करने से एक तो कलर भी बाहर मार्केट पे ऐसा होता है बेसन के लड्डू का, और दूसरा इस लड्डू जो है हमारा दानेदार बनेगा। तो उसे डाल के मैंने लगातार ऐसे चला लिया है और ये देख सकते हैं दानेदार हो गया है हमारा जो मिक्सचर है, और कलर भी इनका चेंज हो गया है। जैसे हलवाई वाले लड्डू मिलते हैं मार्केट में वैसा कलर आ गया है इसमें। और 2-3 मिनट तक और मैंने चला लिया है इसे, और ये आप लोग देख सकते हैं इसका एकदम टेक्सचर कैसा हो गया, कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और ये मिश्रण तैयार है बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए। तो इसको हम लोग फटाफट एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से इसे फैला लेंगे और थोड़ा देर हम लोग छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। भी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 कप शुगर पाउडर। मेज़रमेंट में लगभग 100 ग्राम है। आप चीनी का भूरा भी ले सकते हैं, और अगर पिसी हुई चीनी ले रहे हैं आप तो आप उसमें उसको थोड़ा सा दानेदार पीसिए, दानेदार रहेगा तो हमारा मार्केट जैसा लड्डू बनेगा। तो मैंने मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके अब हम लोग लड्डू बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों में आराम से इस तरह से हम लोग मिलाते हुए गोल गोल घुमाएँगे और फिर इस तरह से हिला लेंगे तो ऊपर से हमारा टेक्सचर एकदम शाइनी हो जाएगा। देखिए ये लड्डू हमारा कितना शाइनी और टेस्टी दिख रहा है ना। तो इसी तरह से हम लोग सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे, इस तरह से दबाते हुए गोल बनाएंगे और फिर थोड़ा सा इसे हिला लेंगे तो एकदम शाइनी हमारा लड्डू बन जाएगा। तो फ्रेंड्स लीजिए ये टेस्टी हलवाई स्टाइल, एकदम मुँह में घुलने जैसा, ऊपर से शाइनी और अंदर से सॉफ्ट एकदम लड्डू बनके तैयार हो गया है। मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए ये लड्डू कितना सॉफ्ट है, एकदम दानेदार मार्केट जैसा बना है ये लड्डू। बहुत ही आसानी से आपने देखा ये लड्डू तैयार हो गया और कितना टेस्टी बना, एकदम मार्केट जैसा। आप लोग इसका लुक देख के समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मार्केट जैसा बना है, और अंदर से एकदम दानेदार है खाने में और बाहर से एकदम शाइनिंग। तो आप भी इस तरह से मेरे ये ट्रिक्स को फॉलो करके परफेक्ट बेसन के लड्डू पहली बार में बनाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरे ये बेसन के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो ढेर सारा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।